जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। आज मैं आप हम और प्रांशु सर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं ये न्यूज़ के रिगार्डिंग, जो अभी बहुत सारा बॉन्डर चल रहा है, यूपी पुलिस का जो पेपर लीक मामला है, उस मामले को लेकर हम दोनों लोग आपके सपोर्ट में जब तक जितना हमसे हो सकेगा उतना सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका धरना प्रदर्शन री एग्जाम का यूपी पुलिस का लखनऊ के इको गार्डन पार्क में इस समय चल रहा है, तो आप सभी से पहले मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और अपनी बात को शांतिपूर्वक जो हमारी सरकार है वहां तक पहुंचाने का काम सभी साथी हमारे करेंगे। और ये जो दोस्त हमारी लड़ाई है वो हमारी कुया सर की लड़ाई नहीं, ये हम जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी सब लोग दोस्त हैं हमारे, उन सब की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हम लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना है, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है दोस्त। क्योंकि अगर आज आप नहीं रहे अपनी जगह से, जहां भी रहते हो अगर आप वहां से नहीं आएंगे, तो आज आप खुद के प्रति तो ईमानदार हैं ही नहीं और दूसरे साथियों के प्रति भी यह धोखा होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जितना हो सके साथियों, जो भी जैसा भी बन पड़े एक दिन के लिए ही भले, लेकिन धरना प्रदर्शन में जरूर शरीक हो और बिल्कुल शांतिपूर्वक हमें अपने आंदोलन को चलाना है और सरकार तक अपनी आवाज जो मांग है उसको पहुंचाना है कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है वो इस पे कड़ा एक्शन लेते हुए पेपर को दोबारा से कंडक्ट कराए, ताकि जितने भी हमारे नौजवान साथी या दोस्त भाई हमारे जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे थे उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि जब ऐसा कोई मामला सामने आता है कि पेपर लीक हो जाता है तो बहुत सी उम्मीदें टूटती हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि हम जो लोग तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम की, बहुत से बड़े घरों से नहीं आते हैं, तो ये उम्मीदें होती हैं दोस्तों हमारे एक वैकेंसी, तो जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दुख होता है दोस्तों। इसी वजह से हम और प्रांशु सर जितना हमें जितना हमसे बन पाएगा उतना हम चलेंगे और आपको बिल्कुल लाइव करके हम दिखाएंगे कि क्या कैसा क्या माहौल है, क्या क्या मांगे रखी जा रही हैं। तो कुछ ही समय में हम लोग इको गार्डन पहुंचने वाले हैं, वहां से आपको पल पल की लाइव अपडेट देंगे। और धरना को देते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको शांतिपूर्वक बिल्कुल अपनी मांगे जो है वो सरकार तक पहुंचानी है। किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ या फिर किसी भी प्रकार का उपद्रव बिल्कुल भी ना करें, इससे हमारे धरने का ही नुकसान होगा, हम लोगों का ही नुकसान होगा। तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या आए और अपनी बात को सरकार के समक्ष रखें, क्योंकि जो ये मामला है अब ये बहुत बड़े स्तर पे आ चुका है। क्योंकि सभी को पता है कि जो पेपर लीक का ये माहौल चल रहा है इस समय, ये काफी ब्रॉड एरिया में फैल चुका है। मतलब बहुत से जो नवयुवा साथी हमारे हैं उनका भविष्य, बहुत से नवयुवा साथियों का भविष्य जो है इस समय खतरे में है। तो इसी को हम सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए अभी आपको इको गार्डन से पल पल की लाइव खबर आपको दिखाएंगे और जितना हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे। अब आपको प्रांशु सर दो शब्द कहेंगे आपसे। साथियों जय हिंद। मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई स्वागत वाली यह वीडियो नहीं है। और साथियों मुझे यह बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें अपने हक के लिए वहां पर धरना देना है और वहां पर जाके लड़ाई लड़नी है। ये आप समझ लीजिए एक लड़ाई है। और साथियों हमें केवल सरकार तक यह आवाज पहुंचानी है, कोई भी उपद्रव नहीं करना है। और अगर हमें समस्या है तो सरकार से हमें कोई समस्या नहीं है, हमें केवल समस्या है भर्ती बोर्ड से, जो भर्ती बोर्ड है और जिस कंपनी ने एग्जाम को कंडक्ट कराया है। साथियों सबसे बड़ी समस्या हमें उसे है, हमें सरकार से 1% की भी समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार का काम था वैकेंसी देना, ठीक है। उसके बाद हम कितना रिस्पॉन्सिबल हैं उस काम को लेकर के, कि जो हमने एक काम लिया है, ठीक है, हमने एक टेंडर लिया है कि हम ये काम कराएंगे, लेकिन उस काम को लेकर के कितना रिस्पॉन्सिबल है भाई। तुम्हारी टीम क्या कर रही थी जब तुम्हारा पेपर लीक हुआ? तो साथियों केवल हमको आवाज पहुंचानी है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन तक यह आवाज पहुंचे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है वह लीक हुई है। हमारे पास माना कि कोई भी साक्ष्य नहीं है लीक होने का, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स वहां पर उपस्थित हैं और उनके सहयोग में हम वहां पर जा रहे हैं। कुछ ऐसे टीचर्स उपस्थित हैं जिनके पास एकदम लाइव प्रूफ है और उनके पास वो प्रूफ के साथ ही वहां पर उपस्थित हुए हैं, तो इसीलिए हम उनके फेवर में, उनके सपोर्ट में, और जो भी हमारे यहाँ संस्था में रह करके बच्चे तैयारी करते थे उनके सपोर्ट में, और ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए वहां पर हम लोग उपस्थित होने जा रहे हैं। तो साथियों आप सभी लोग यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यह इन्फॉर्म नहीं है कि वहां पर अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वह बच्चे आराम से आकर के वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे। मैं आप सभी लोगों को यह बता दूं कि वहां पर
आप अपनी व्यवस्था से आएं, आपको खाने की अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बैठने उठने की अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सेल्फ डिपेंड होकर के आएं। ठीक है, वहां पर आपको कोई स्वागत के लिए नहीं बैठा है कि हाँ आप आएंगे, आपको सारी व्यवस्थाएं करके दिया जाएगा। तो साथियों, मैं कुछ ही पलों में, मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में मैं लखनऊ पहुंचकर आप सभी लोगों को लाइव अपडेट दूंगा कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं साथियों, रात का माहौल कैसा है और वहां पर कहां तक कार्रवाई पहुंची। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जुड़ने का पूरा प्रयास करना, क्योंकि आप सभी लोग अगर जुड़े रहेंगे, थोड़ा सा सहयोग करेंगे, तभी हम आप सभी लोगों तक एकदम कन्फर्म इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।